कहेंगे गौ हमारी मम्मी मम्मी है, और गोवा कश्मीर और नागालैंड में कहेंगे गाय हमारे लिए यम्मी यम्मी है, खाओ। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है। आज जो हम वीडियोस देखेंगे इसमें आपको पता चलेगा कि यूक्रेन पर हमले के दौरान किस हद तक नीचे गिर चुका है गोदी मीडिया, तो अंत तक जरूर वीडियो देखें। पहले क्लिप में हम देखेंगे अराजकता और कौमी भेदभाव फैलाने वाले गोदी मीडिया एंकर गुल्लू को सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कैसे शांति और अमन का पाठ पढ़ाया। अनुराग, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, सवाल सुन लीजिए। देखिए नॉर्मल डिबेट में तो आप लोग सवाल सुन, अनुराग जी आपसे खासतौर पे मेरा निवेदन रहेगा। अनुराग जी सपनों की बात हो रही है। अच्छा, निवेदन समाजवादी से ही रहेगा, मतलब बधाई, आपको लगता है समाजवादी आ रही है। अखिलेश जी के सपने में भगवान कृष्ण भी आ रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि ये जो सपनों की नगरी है ये कहीं स्वप्न नगरी ना रह जाए आप लोगों? देखिए समाजवादी ने हमेशा से सपना देखा है उत्तर प्रदेश को, सुन तो लीजिए, उत्तर प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है, और सपने को साकार किसी ने किया है तो समाजवादियों ने किया है। सपने को जमीन पे होता, आपने देखा होगा किस तरह से भगवान कृष्ण कैसे सपने में आ गए। भगवान कृष्ण, मैं कहता हूँ कृष्ण को भी, मैं बता रहा हूँ ना, वही तो, वही लाना है ना समाज को, समाज को उसी रास्ते पे ले जाना है। भाईचारा, प्यार मोहब्बत से सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, ये हिंदुस्तान अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई यहाँ पे गैर है, सब हम अपने हैं। यही तो कृष्ण का, भगवान का संदेश था। उनका संदेश क्या है, उनका संदेश क्या है कि प्यार मोहब्बत से समाज को एकजुट करके रहना है। तो यही संदेश तो भगवान कृष्ण का क्या संदेश है आपने बोला? हाँ, मैंने बोला ना, उनका संदेश यही है कि जो पूरा समाज है ये प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, आपस में एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। समाज को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाएं, समाज के अंदर में कैसे भेदभाव खत्म करें, समाज के अंदर में कैसे ये जातिवाद का, धर्म का जो भेदभाव भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। पर भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश ये है, जब बांसुरी की जरूरत हो तो बांसुरी बजानी चाहिए, जब सुदर्शन चक्र की आवश्यकता हो तो पीछे नहीं हटना। तो वही आप बोलने तो दो। जी, 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 तो वही तो कह रहा हूँ कि जब सुदर्शन चक्र की जरूरत पड़ती तो सुदर्शन चक्र क्या हम अपनों पे चला दें? अगले क्लिप में हम देखेंगे कैसे अखिलेश प्रताप सिंह ने सुधांशु त्रिवेदी और नरेंद्र मोदी के गुनगाने वालों की लाइव डिबेट के दौरान बोलती बंद करवा। आदरणीय मोदी जी और मोदी जी के लोग, बीजेपी के लोग जिस भाव भंगिमा से बताते हैं कि बस जो कुछ हुआ इस देश में आदरणीय मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल में हुआ है। इसके पहले, मोदी जी के पहले, इस 5 साल के पहले ये धरती चपटी थी, मोदी जी ने उसे गोल कर दिया। सूरज में रोशनी नहीं थी, मोदी जी ने रोशनी डाल दिया। पहाड़ों पे बर्फ नहीं था, मोदी जी ने उस पर बर्फ ला दिया। नदियों में पानी नहीं था, सब मोदी जी ने कर दिया। कहीं भी गौ कसी होती है पूरे दुनिया में तो ये हिंदुस्तान में बोलते थे हम रोक देंगे, हम आएंगे। तो जैसे सत्ता में आए यूपी में कहेंगे गौ हमारी मम्मी मम्मी है, और गोवा कश्मीर और नागालैंड में कहेंगे गाय हमारे लिए यम्मी यम्मी है, खाओ। कोई रोक नहीं है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गौ खाने पे कोई रोक नहीं है। इनके जो अभी उपराष्ट्रपति, हमारे भी उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने दिल्ली की एक मीटिंग में कहा भाई गाय खाइए लेकिन शोर मत मचाइए। इन्होंने कहा अभी कि पाकिस्तान से आगे हम गिड़गिड़ाते हैं। अरे सुधांशु जी, उस देश का हम लोग इतिहास, भूगोल बदल चुके हैं। जब आप लोग चड्डी पहन के घूम रहे थे, बीजेपी को 5-6 शब्दों पर रोक लगा दी जाए और बीजेपी के नेताओं से कहा जाए तुम 2 मिनट बोल लो, एक पाकिस्तान, एक मुसलमान, एक आतंकवाद, एक राम और एक धर्म, इन 6 शब्दों पर रोक लगा के बीजेपी के किसी नेता से कहो तुम बोलो, वो मंच से नीचे उतर जाएगा। अगला क्लिप बहुत शर्मनाक है। वहीं जहां एक ओर हमारे पीएम मोदी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी ओर ऐसे मीडिया एंकर हमारे देश की लड़कियों को हिजाब के मुद्दे पर ऐसे हरास कर रहे हैं। अगला क्लिप बेशक थोड़ा पुराना है, पर इस क्लिप से हम सबकी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं कि कैसे हमारे योग गुरु रामदेव हमारे लिए तेल के दाम 30 रुपए करवाने वाले हैं।
भैया पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है, अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है, ये तो पूरी स्टडी है मेरे पास में, कोई भी देख सकता है इंटरनेट पर, सब बच्चे पढ़े हुए हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? अच्छा आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है, यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है उसको नहीं हटा पा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो ये सपना साकार होगा ऐसी अपेक्षा है। ये जो अगला क्लिप है दोस्तों, इसे देखकर हर भारतीय नागरिक को गोदी मीडिया पर शर्मिंदगी महसूस होगी। वहीं जहां एक और हमारा भारतीय स्टूडेंट ने यूक्रेन पर हमले के दौरान अपनी जान गंवाई, वहीं दूसरी ओर गोदी मीडिया इस हादसे के दौरान भी बीजेपी की फेल्ड स्ट्रेटजी को सही बताते हुए उस विद्यार्थी को गलत ठहरा रहा है कि वो बॉर्डर तक नहीं जा सका इसलिए उसकी मौत हुई। थोड़ी देरी नहीं हुई इस खबर के बाद, क्या ये सवाल नहीं उठेंगे? देखिए ये बहुत ही दुखद है कि एक भारतीय छात्र की मौत हुई है, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इंडियन एम्बेसी ने लड़ाई शुरू होने से 4 दिन पहले यानी कि 1 हफ्ता पहले एडवाइजरी इशू की थी कि सभी छात्रों और हिंदुस्तानी जिनका यहाँ रहना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कीव छोड़ दें या यूक्रेन छोड़ दें, सब कुछ अवेलेबल था, फ्लाइट्स जा रही थी, एक्स्ट्रा फ्लाइट्स अवेलेबल की गई थी, लेकिन ये छात्र और उनके माता पिता इन्होंने फैसला किया कि हम पीछे रहना चाहते हैं, हमारे लिए यहाँ की कुछ चीजें जरूरी हैं, उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। और उसके बाद भी मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इस वक्त मैं कम से कम 7-8 देशों के छात्रों से मिल चुका हूँ, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी जो काम यहाँ कर रही है ऐसी कोई भी देश की गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है अभी तक, वो पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। कल एक्स्ट्रा ट्रेन लगाई गई थी कीव में ताकि इन छात्रों को बॉर्डर पर ले जा सके, वहां से इनको हंगरी, पोलैंड या रोमानिया के रास्ते इंडिया भेजा सके। बहुत दुखद है जो हुआ, लेकिन मैं यकीन दिला रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट जो इस वक्त कर रही है यहाँ पे, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, वो किसी भी और देश की गवर्नमेंट से। यही यूक्रेन का गोदी पत्रकार जब ऐसी ही घटिया पत्रकारिता की और कोशिश कर रहा था तो यूक्रेन में फंसे एक भारतीय युवक ने इनकी और गोदी मीडिया की पीआर स्ट्रेटजी की पोल खोल कर रख दी। हमारे सहयोगी कीव से रिपोर्टिंग करें गौरव सावंत आपको बता रहे हैं परिस्थितियां बहुत खतरनाक संकेत जा रहा है और बेलारूस खुलकर मिलिट्री सेंस में इनके पास आ गया, तो ये तनाव देखिए ये लोगों के मन में आ रहा है। तो ठीक ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। इस विषय पर अपनी राय हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि क्या ऐसे नाजुक समय में जहां यूक्रेन में हमारे भारतीय भाई बहनों में डर का माहौल है और उनके माता पिता भारत में डरे हुए हैं, तब ऐसी पत्रकारिता क्या उन्हें साहस देने का काम कर सकती है? और आखिरी क्लिप में हम देखेंगे जब गोदी एंकर बीजेपी की पीआर टीम बनकर उनके लिए कैंपेन चलाने की कोशिश में थी तो कैसे एमएम के प्रवक्ता असीम वकार ने उन्हें सच का सामना करवाया। मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर घातक लड़ाकू विमान सुकोई जैगुअर और मिराज 2000 ने कैसे लैंडिंग की, वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है इस वक्त। ये किस तरह से फाइटर जेट्स हैं जो सेना के लिए सबसे बड़ा हथियार है किसी भी जंग में। असीम वकार जी मुझे ये बता दीजिए कि आज जो तस्वीरें हम सब ने देखी है वो राष्ट्र का गौरव है कि नहीं है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है सर, वहां पर टेक ऑफ हो रहा है, लैंडिंग हो रही है प्लेन्स की, ये हमारे लिए राष्ट्र का गौरव है कि नहीं? तो मैडम अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राष्ट्र का गौरव है क्योंकि उस पे लड़ाकू विमान लैंड किए, तो आगरा एक्सप्रेसवे पे क्या वो ई रिक्शा लैंड किया था? इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।